हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम कार्तिक है, मैं मायर प्रोडक्ट टीम का हिस्सा हूं और आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे डिश वॉशर सेफ कुकवेयर की। जी हाँ, डिश वॉशर क्या है, उसके अंदर जब आप बर्तन डालते हैं तो उसका इफेक्ट क्या रहता है, क्या हमारे कंपनी के बर्तन डिश वॉशर सेफ हैं, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हम आंसर करेंगे, तो देखते रहिए ये वीडियो। ओके, सो जैसे हमने बात करी कि क्या हमारा कुकवेयर डिश वॉशर सेफ है, देखिए डिश वॉशर से लोग थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, डिटर्जेंट जो इसके अंदर होता है वो हार्श होता है, उसका आपके बर्तन के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। आप कैसे जाने कि आपका बर्तन जो है आपका डिश वॉशर सेफ है? सबसे जल्दी चीज़, बहुत सिंपल बात, आज की डेट के अंदर आपके बॉक्सेस पर कुकवेयर के पीछे कहीं ना कहीं शायद मेंशन होगा कि वो डिश वॉशर सेफ है, उसका साइन है, प्लेट ग्लास और पानी की बूंदे सी बनी होंगी, ऐसा आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्तन डिश वॉशर सेफ है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको उसके अंदर देता हूँ। आम तौर पर एक्सपोज्ड एल्युमिनियम जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है वो डिश वॉशर सेफ नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे तवे जो एल्युमिनियम के बने हैं मना किया जाता है डिश वॉशर में मत डालिए, बहुत सारे टिन जो है मना करते हैं डिश वॉशर में ना डाले जाएँ, कॉपर भी एक उनमें से मेटल है जो डिशवॉशर में नहीं जाना चाहिए। नॉनस्टिक के बारे में लोग कहते हैं कि नॉनस्टिक बर्तन भी जो है डिशवॉशर में नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि नॉनस्टिक ख़राब हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि हमारी कंपनी के अंदर हम कन्वीनियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम प्रोडक्ट वैसे बनाते हैं हमारे कस्टमर के लिए जहाँ पर वो उसको आसानी से यूज़ कर सके और खाना बनाने के बाद आसानी से उसको साफ़ कर सके। अगर आज आपके पास एक मॉडर्न किचन है जिसके अंदर डिशवॉशर है, तो आप चाहेंगे कि आप ऐसा बर्तन खरीदें जो आपने डिशवॉशर के अंदर डाला, साफ़ हुआ, बाहर निकला और आपका काम जो है आसान हो गया। अब देखिए, कास्ट आयरन रेंज जो मायर के पास है बहुत प्रीमियम रेंज है, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल है इसके ऊपर सीजनिंग का प्रोसेस नेचुरल है, आप खुद अपने घर के अंदर करते हैं, तो जो अगर आप इसको डिशवॉशर में डालेंगे तो हार्श एनवायरनमेंट की वजह से सीजनिंग को परफेक्ट आता है और कोरोजन हो सकता है, इसलिए कास्ट आयरन को हम रेकमेंड नहीं करते कि आप डिशवॉशर के अंदर डालिए। अगर हम बात करते हैं नॉनस्टिक की आमतौर पर, तो लोग मना करते हैं कि नॉनस्टिक ख़राब हो सकती है, लेकिन मायर के पास प्रीमियम क्वालिटी नॉनस्टिक कुकवेयर है। अगर आप बात करें सर्कुलॉन की, तो एक ऐसी रेंज है जिसको आप बहुत आसानी से डिशवॉशर के अंदर धो सकते हैं बिना किसी परेशानी के। उसके अलावा हमारे पास बेकवेयर रेंज है, लास्ट टाइम ने बताया था बेकवेयर के बारे में, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेकवेयर इतना प्रीमियम क्वालिटी का है कि आप इसको आराम से डिशवॉशर के अंदर डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या स्टील सेफ है डिशवॉशर के लिए, क्योंकि एक्सपोज्ड एल्युमिनियम क्योंकि उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है वो सेफ नहीं है, तो क्या स्टील सेफ है? बिल्कुल, स्टील 100% सेफ है। हमारे पास माई ट्राइवांटेज जो ट्राईप्लाई सीरीज है, सिलेक्ट सीरीज है और भी हमारे स्टील के बर्तन है, वो 100% डिशवॉशर सेफ है, उसका बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एज आई सेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, यू नो वे टू गेट इन टच विद अस, आप हमारे साथ टच में आ सकते हैं। सो ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर pots and pans.in। अगर आप जाते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, वहाँ पर हमने येस नो लिख रखा है कौन सा डिश वॉशर सेफ है कौन सा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मायर की रेंज के अंदर डिश वॉशर सेफ हैं। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए जो आपको पसंद आता है, उसका ऑर्डर प्लेस कीजिए और हम आपके घर पे वो डिलीवर कराएंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।